शहीद सहाफत अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम मोड़, तहकीकाती कमेटी को शक, कत्ल के ताने बाने दुबई से मिलते हैं। वजीर आजम की तश्कील करदा दो रुकनी कमेटी के सेक्रेटरी खारजा और यूएई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को अलग अलग खत लिख दिए गए। कौंसल जनरल को 14 नवंबर और सेक्रेटरी खारजा को 23 नवंबर को खत लिखे गए हैं। कौंसल जनरल के नाम खत में कहा गया कि टीम को केनिया में पता चला कि कत्ल के ताने बाने दुबई से मिलते हैं। टीम ने यूएई में पाकिस्तानी हुकाम, वीज़ा, प्रेस काउंसलर और कौंसलर पासपोर्ट को बयानात कलम बंद कराने का कहा। खत में दुबई हुकाम से ताबुन मांगने के लिए कहा गया। अरशद शरीफ के वीज़े की नकल, सफरी दस्तावेजात, 10 से 20 अगस्त तक दुबई में क़याम की तफसील मांगी गई। अरशद शरीफ के दुबई क़याम की सीसीटीवी फुटेज, नकलो हरकत और मुलाकातों की तफसील तलब कर ली गई। खत में वजाहत तलब की गई है कि क्या अरशद शरीफ का वीज़ा मंसूख हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ। खत में अरशद शरीफ के दुबई के मोबाइल नंबर की CDR फराहम करने समेत दीगर मामलों पर ताबुन की दरख्वास्त की गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, हक की इस पूरी चीज से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।